यानी कि प्रिमिटिव टाइम में, यानी कि जो आपके पुराने समय थे, जब जीवन के लिए जो वातावरणीय दशाएं थी वो उचित नहीं थी, या फिर कह सकते हैं जीवन के लिए वो सुटेबल नहीं थी, तो उस समय आपके जो पहले प्राणी आए, ठीक, वो आपके आर की बैक्टीरिया थी। ये बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया थे जो उस कंडीशन में सर्वाइव कर रहे थे, यानी कि उस कंडीशन में जीवित अपने आप को रख रहे थे, ठीक है ना। क्योंकि उस समय ऐसी कंडीशन थी कि उस कंडीशन में और तरह के जीवों का जीना पॉसिबल नहीं था, बट इस आर्किबैक्टीरिया का फॉर्मेशन जब हुआ तो इन्होंने अपने आप को उस वातावरणीय दशाओं के अनुसार अपने आप को अडाप्ट किया, जिसकी वजह से ये क्या कि उस क्लाइमेट में, या फिर कह सकते हैं वहां की जो भी हैबिटेट थी, उस वास स्थान में ये अपने आप को जीवित बना पाए। ऐसे में यानी कि ये बहुत पुराने समय के बैक्टीरिया, प्राइमिटिव टाइम के बैक्टीरिया हैं, जो अन्य बैक्टीरिया से क्या होते हैं, अलग होते हैं। ये बैक्टीरिया यानी कि कौन बैक्टीरिया, आर्की जो बैक्टीरिया होते हैं, ये बैक्टीरिया ऐसे कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं जहां पर एक सामान्य तरह के बैक्टीरिया का सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं है। समझ में आया सभी को कि ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो ऐसे कंडीशन में सर्वाइव कर जाते हैं जहां पर अन्य तरह के बैक्टीरिया का सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं है। गर्म गैस के जो झरने हो सकते हैं, या गर्म झरने जो हो सकते हैं जिसका तापमान काफी अधिक होता है, जो अधिक क्षारीय तरल होती है, उस तरल में भी ये क्या है कि सर्वाइव कर सकते हैं आर्की बैक्टीरिया। इसलिए ये क्या है, विशेष बैक्टीरिया होते हैं। समझ में आया सभी को, ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो ऐसे कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं, रह सकते हैं, जहां पर अन्य प्रकार के जीवों का रहना, जीवित रहना पॉसिबल नहीं है। ये समझ में आया आप सभी को, क्योंकि प्रिमिटिव टाइम में जो एनवायरमेंटल कंडीशन बनी थी, वो कंडीशन आज के जीवों के लिए सुटेबल नहीं थी, यानी कि आज के जीव उस कंडीशन में नहीं सर्वाइव कर पाएंगे जो पहले कंडीशन थी प्रिमिटिव टाइम में। बट ये बैक्टीरिया अपने आप को क्या किए, अंदर ऐसी चेंजिंग किया है, अपने आप को ऐसा बनाया जिसकी वजह से ये उस कंडीशन में सर्वाइव करने लगे। आइए करते हैं। आपने पढ़ा हुआ कि जो बैक्टीरिया होती है, उस बैक्टीरिया के चारों तरफ एक स्लाइम लेयर सेल वॉल के ऊपर पाई जाती है, स्लाइम लेयर यानी कि एक सेल वॉल पाई जाती है सबसे बाहर बैक्टीरिया की कोशिका भित्त, और दूसरी जो होती है इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। आपने इन चीजों को बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में आपने स्टडी किया है। एक बाहर की तरफ प्लाज्मा में सेल वॉल, और उसके अंदर जस्ट उसके इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। बाहर की ओर सेल वॉल, इसके जस्ट नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। देखिए उस समय जब मैं आपकी बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर पढ़ा रहा था, तो उस समय मैंने आपको डिस्कस उसमें बताया था कि सेल वॉल की कंपोजिशन क्या होती है, यानी कि सेल वॉल में किस किस तरह के पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक, इसके अलावा हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी बताया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के विषय में आप नॉर्मली जानते हैं कि जो हमारे जो लेयर्स होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ठीक, उसी के समान इसकी भी पाई जाती है। बट सेल वॉल में हमने बताया था कि दो तरह की आपके बैक्टीरिया, हमने बताया था जी पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड जी नेगेटिव बैक्टीरिया। जी पॉजिटिव एंड जी नेगेटिव बैक्टीरिया जो थी उनमें कुछ पदार्थ की जो कंपोजिशन थी वो कॉमन थी, यानी कि जी पॉजिटिव एंड जी नेगेटिव बैक्टीरिया में जो कुछ पदार्थ जो थी वो दोनों में पाई जा रही थी, बट कुछ पदार्थ जो थी वो एक दोनों में नहीं पाए जा रहे थे। ये चीजें आपने देखा। इसको स्पष्ट करने के लिए प्रीवियस जो वीडियो है, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया जो है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं। जो आर्की बैक्टीरिया होती हैं, उस आर्की बैक्टीरिया के विषय में क्या होती है कि जो सेल वॉल आर्की बैक्टीरिया की होती है, ये अलग तरह के पदार्थों की बनी होती है। ध्यान देना कि आर्की बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है, ये सेल वॉल अलग तरह के पदार्थों की बनी होती है। ये अलग तरह के पदार्थ ही जो सेल वॉल में पाए जाते हैं, ये बैक्टीरिया को विपरीत कंडीशन में, प्रतिकूल दशाओं में क्या करते हैं, इसको जीवित बनाए रखने में मदद करते हैं। याद है सभी को, यानी कि जो सेल वॉल आर्की, किसकी, आर्की बैक्टीरिया की जो सेल वॉल,
इस हाथी बकरिया की सलवार में विशेष प्रकार के पदार्थों की कॉम्बिनेशन होती है, यानी कि संयोजन होती है, और ये विशेष प्रकार के जो रासायनिक पदार्थ होते हैं ये बैक्टीरिया को विपरीत प्रकार के यानी कि प्रतिकूल कंडीशन में इसको क्या करते हैं, सर्वाइव करने में मदद करते हैं। देखिए जो ये सलवार होती है, इस सलवार में आपके जो पेप्टाइडोग्लाइकन होते हैं, यानी कि आप देखिए एक होती है म्यूरेनिक एसिड, एक होती है म्यूरेनिक एसिड एंड पेप्टाइडोग्लाइकन्स, पेप्टाइडोग्लाइकन्स दो चीजें, एक म्यूरेनिक एसिड और दूसरी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन्स, ये एब्सेंट होती है सलवार में, ध्यान देना। बट आपने देखा था जी पॉजिटिव एंड जी नेगेटिव बैक्टीरिया में आपने देखा था कि जो पेप्टाइडोग्लाइकन्स थी वो पिजेंस थी, पाई जा रही थी। जी पॉजिटिव एंड जी नेगेटिव जो बैक्टीरिया थी उसमें आपके पेप्टाइडोग्लाइकन्स पाए जा रहे थे, बट जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं उस आर्की बैक्टीरिया में आपके जो पेप्टाइडोग्लाइकन्स होती है वो एब्सेंट होती है, यानी कि अनुपस्थित होती है, नहीं पाई जाती है, और साथ साथ जो म्यूरेमिक एसिड होती है ये भी नहीं पाई जाती है, यानी कि एब्सेंट ऑफ म्यूरेमिक एसिड एंड पेप्टाइडोग्लाइकन्स। तो फिर किस पदार्थों की बनी हुई है ये जो सलवार होती है आर्की बैक्टीरिया की, ये आपके क्या है, प्रोटीन, ठीक, प्रोटीन एंड नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड्स की बनी होती है, ठीक, प्रोटीन एंड नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड्स की क्या है ये सलवार बनी होती है, ये समझ में आया सभी को, ये समझ में आया सभी को कि जो सलवार होती है आर्की बैक्टीरिया की प्रोटीन और नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड्स की बनी होती है, ठीक है ना, किसकी बनी होती है, पॉली मतलब बहुत सारे और सैकेराइड्स मतलब सुगर, मल्टीसेकेराइड्स यानी कि बहुत सारे सुगर के अणु जब मिलते हैं तो उसे हम लोग पॉलीसेकेराइड्स कहते हैं, और सेलुलोजिक मतलब सेलुलोज नहीं पाया जाता है, आमतौर पर आप पढ़ते हैं कि जो सलवार होती है उसमें सेलुलोज पाई जाती है प्लांट में, बट इसमें क्या है सेलुलोज नहीं पाया जा रही है और प्रोटीन तो पाई जा रही है, ठीक है ना, ऐसे में ये स्पेशल जो कंपोजिशन है इस सलवार में ये क्या करती है बैक्टीरिया को प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित बनाए रखने में बैक्टीरिया को यानी कि आर्की बैक्टीरिया को मदद करती है, ध्यान देना कि ये जो विशेष कंपोजिशन है पदार्थों की प्रोटीन एंड नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड्स की जो विशेष कंपोजिशन है ये सेलवाल को स्पेशल बनाते हैं, और इसी स्पेशल सेलवाल की वजह से आर्की बैक्टीरिया जो है वो विपरीत परिस्थितियों में सर्वाइव करता है, यानी कि जीवित रह लेता है, बाकी अन्न का जीना पॉसिबल नहीं है अदर बैक्टीरिया जो नॉर्मल बैक्टीरिया होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके अलावा आप देख रहे हैं इसके अंदर क्या है कि कुछ मेम्ब्रेन पाए जा रहे हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आप जानते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है फैटी एसिड यानी कि लिपिड फॉस्फोलिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है, ये चीजें तो आपने देखा है। तो जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो वसीय पदार्थ होते हैं इनकी भी एक अलग अपनी क्या होती है पहचान होती है, अलग तरह की बनावट होती है। इसी कारण जो ये बैक्टीरिया है ना, ये बैक्टीरिया क्या है कि हाई टेम्परेचर पर, उच्च ताप पर, ठीक, उच्च ताप पर इत्यादि पर भी ये क्या है कि जीवित रह लेते हैं। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वसीय पदार्थों की, ठीक, वसीय पदार्थों की शाखान्वित चयन होती है, यानी कि ब्रांच फैटी एसिड की चयन होती है, फैटी एसिड की चयन होती है। समझ में आया कि इस आर्की बैक्टीरिया की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये स्पेशलाइज्ड होती है, क्या होती है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपके शाखान्वित फैटी एसिड की चयन होती है, श्रृंखला होती है, और इसी कारण इसी पदार्थ की उपस्थिति के कारण ये आर्की बैक्टीरिया जो है वो विपरीत कंडीशन में यानी कि हाई टेम्परेचर पर भी उच्च ताप पर भी
जीवित रह लेता है, और जो भी आपके क्षारीयपन है, अम्लीयपन है, उनमें भी अपने आप को बचा लेता है। ठीक, आइए समझते हैं। तो ये थी आपकी आर की बैक्टीरिया के विषय में जानकारी। देखिए, आर की बैक्टीरिया जो होती है उसको तीन भागों में अलग किया गया है। एक फर्स्ट जो होती है वो आपके मीथेनोजन बैक्टीरिया, मीथेनोजन बैक्टीरिया। दूसरी जो होते हैं वो हेलोफेल्स, हेलोफेल्स। तीसरी जो होती है वो थर्मो, थर्मो एसिडोफेल्स। क्या है थर्मो एसिडोफेल्स? ये तीन प्रकार के आर की बैक्टीरिया मैंने लिखा है, मीथेनोजेंस, हेलोफेल्स एंड थर्मो एसिडोफेल्स। आइए जानते हैं मीथेनोजेंस। मीथेनो मीथेन, जेन मतलब निर्माण करना। ठीक, यानी कि मीथेन का फॉर्मेशन करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, मीथेनोजेन बैक्टीरिया। देखिए, ये बैक्टीरिया जो होती हैं जो दलदल वाले स्थान पे होते हैं जहां पर अन्य बैक्टीरिया का सर्वाइव करना संभव नहीं है, क्योंकि मीथेन गैस वहां पर प्रोड्यूस होती है, वहां पर ये बैक्टीरिया आपके पाए जाते हैं। इसके अलावा जो रूमिनेट आपके प्राणी होते, यानी कि जो जुगाली करने वाले प्राणी होते हैं, यानी कि जो भी उनकी आंत होती है, पेट होती है, उसमें भोजन जाता है, फिर वो निकाल कर अपने माउथ में क्या करते हैं, उसको चबाते हैं, ऐसे जो प्राणी होते हैं उसे रूमिनेट, जो रूमिनेट एनिमल्स कहते हैं। तो उन रूमिनेट एनिमल्स के जो इंटेस्टाइन है, आंत जो होती है, उसके अंदर आपके ये मीथेनोजेन बैक्टीरिया पाए जाते हैं। और गोबर को क्या करते हैं, उसके उसको कर सकते हैं विखंडित करके, वहां से वो मीथेन गैस को बनाते हैं। इसके अलावा जो आपने देखा है कि गोबर गैस प्लांट होती है, गोबर गैस जो संयंत्र होती है, उस गोबर गैस के टैंकों में भी इस मीथेनोजेन बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है। जो गोबर गैस को क्या करती है, गोबर को क्या करती है, सड़ाती है और उससे मीथेन गैस निकलता है। जो ये क्या है, फ्यूल है, उस फ्यूल का इस्तेमाल होता है आपकी विभिन्न क्रियाओं में, विभिन्न चीजों में आपकी क्या है, उस मीथेन गैसों का यूज होता है, खाना बनाने में, यानी कि ईंधन के रूप में, गैसीय ईंधन के रूप में उसका उपयोग होता है। समझ में आया? तो ये मीथेनोजेंस कैसे बैक्टीरिया, मीथेन बनाने वाले बैक्टीरिया है, दलदल वाले स्थानों पे पाए जाते हैं। जो रूमिनेट प्राणी होते हैं, यानी कि जुगाली करने वाले जो प्राणी होते हैं, अर्थात जो क्या करते हैं कि जो स्टमक होती है, फिर कह सकते हैं अंदर जो सिस्टम होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम, वहां से फूड को निकालकर भोजन को चबाते हैं पचाने के लिए, तो उनके आंत में पाए जाती है। ठीक है, इसके अलावा हमने बताया कि जो गोबर गैस प्लांट होती है उसमें भी ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं और मीथेन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब दूसरा जो है हेलोफेल्स। ठीक, हेलो मतलब जो होता है वो होता है आपके बेस, छा। ठीक, और फिल्स का मतलब होता है लोअर्स। ठीक, यानी कि जो क्षारीय स्थान पर पाए जाने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं, उन बैक्टीरिया को हम लोग क्या कहते हैं, हेलोफिल्स कहते हैं। देखिए, जो क्षार वाले स्थान, जहां क्या है कि नमक की जो NaCl की जो मात्रा होती है वो अधिक होती है, उन स्थानों पर जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, हेलोफिल्स कहते हैं। और उन स्थानों पर आपके क्षारीय माध्यम में आपके बैक्टीरिया का सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं है, अन्य बैक्टीरिया का। बट जो आर्की बैक्टीरिया के अंदर जो हेलोफिल्स आ रहे हैं, ये बैक्टीरिया जो है, इनके अंदर ये क्षमता होती है कि उस परिस्थितियों को ये झेल सकते हैं, क्योंकि इनकी ये सेल क्या होती है, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कंपोजिशन होती है रासायनिक पदार्थों की। ठीक है ना, यानी कि क्या है कि ये अधिक से अधिक NaCl के मीडियम में, माध्यम में, क्या है कि सर्वाइव कर सकते हैं, इनको कल्चर कराया जा सकता है। ये ऐसी बैक्टीरिया होती है। ठीक, समझ में आया? हेलोफिल्स ऐसी बैक्टीरिया होती है जहां पर क्षार की मात्रा अधिक होती है, क्षारीय पदार्थ जहां अधिक होता है उन स्थानों पर ये बैक्टीरिया पाई जाती है। दूसरा है थर्मो एसिडोफेल्स। थर्मो में होता है हीट, एसिडो मतलब एसिड। ठीक, यानी कि जो थर्मो एसिडोफेल्स बैक्टीरिया होते हैं, ये बैक्टीरिया हीट यानी कि उच्च ताप पर, लगभग 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी क्या है कि ये सर्वाइव कर सकते हैं। मैंने बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो स्पेशल कंपोजिशन है, ये उच्च ताप पर भी बैक्टीरिया को जीवित रहने में मदद करती है।
ठीक है ना। तो थर्मो मतलब क्या होता है, यानी कि उच्च ताप पर 80 डिग्री सेंटीग्रेड जो होगी उस पर भी, और एसिडो मतलब काफी अम्लीय माध्यम में भी, काफी अम्लीय माध्यम में भी जो बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाते हैं उच्च ताप और अधिक अम्लीय माध्यम में जो बैक्टीरिया जीवित रहते हैं उन बैक्टीरिया को हम लोग क्या कहते हैं, थर्मो एसिडोफिल्स, क्योंकि इसकी सेल कंपोजिशन होती है सेल वाले प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ठीक है ना। ऐसे में देखिए ये जो बैक्टीरिया होती है ये क्या करते हैं, सल्फर इत्यादि को ऑक्सीकृत कर देते हैं। जैसे जो थर्मो एसिडोफिल्स बैक्टीरिया होते हैं, एक रिएक्शन में लिख दे रहा हूं आपको, देखिए इस तरह जो सल्फर होती है इस सल्फर को क्या करते हैं पानी की उपस्थिति में प्लस ऑक्सीजन इसकी उपस्थिति में क्या करते हैं इसको सल्फ्यूरिक एसिड में बदल देते हैं H2SO4 के रूप में, ठीक है ना। ऐसे में क्या करते हैं इसको सल्फ्यूरिक एसिड के रूप में आप क्या करते हैं इसको परिवर्तित करने का काम करते हैं, ठीक है ना। तो क्या कर रही है सल्फ्यूरिक एसिड के रूप में इसको फॉर्म कर रहे हैं, तो इसको हम लोग दे सकते हैं 2 या 2 भी सल्फर 2 हो गए सल्फर भी 2 हो गए, ठीक है 4 हो गए 4 हो गए, ठीक है ऑक्सीजन 2 और सल्फर भी 2 हो गए 4 हाइड्रोजन। चलिए तो देखिए ये सल्फ्यूरिक एसिड बन रही है, क्या सल्फ्यूरिक एसिड बन रही है। आप देख रहे हैं कि ये जो बैक्टीरिया है ये बैक्टीरिया क्या करती है कि जो सल्फर होती है उस जल की उपस्थिति में और ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करते हैं इसको ऑक्सीकृत कर देते हैं और फिर जो होते हैं ये सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये क्या है कि ये तीन तरह की बैक्टीरिया है जो आज की बैक्टीरिया के अंतर्गत आ रहे हैं, मिथेनोजेन हेलोफिल्स एंड थर्मो एसिडोफिल्स, ठीक है ना। ठीक आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आप सबको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ई बैक्टीरिया के विषय में डिस्कस करेंगे, ई बैक्टीरिया क्या होते हैं।